ध्रुमा से माता ने कहा कि बेटा तय ना जा जंगल माँ, एक ठैया लड़का बड़े मुश्किल में पाओ। बोले नहीं माँ, मैं जाऊंगा उस परमात्मा का भजन करूंगा। राजा ने हुक्म निकाला, ओ बालक को समझा दीजे, ओ जवा शेर के बदले में अब ओ गेहूं दुगना कर दीजे। तुम झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो, तुम दूर हो रही हो, मां दूर हो रही हो, दूर हो रही हो मुझसे दूर। तुम सोच करती इस बात का कि मुझसे दूर हो रहा है मेरा पुत्र, माँ और बेटे से बिछड़ रहा है, इस बात का सोच करती हो माँ, चिंता ना करो। तो मेरे जो कलंक में टीका और कलंक में लगा है, माथे में लगा है, उसको मुझे मिटाना है। मेरे परमात्मा वो जगत पिता है, तुमने देखा उनको? बोले मैंने माँ, माता ने कहा। और हमारे सम्मानित बोखर वाले मेहमान साहब 21 रुपया प्रदान कर रहे हैं बोखर में। हमारे सची लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ओ गली गली हरि नाम गाने लगी, ऐसी लगी ऐसी लगन, ओ भक्ति में मगन, अरे ध्रुवन जंगल को जाने लगे, ऐसी लगी लगन ऐसी। प्रेम के बंधन में हम तुम बंधे हैं, हरि गुण गाते ही जीवन चले हैं। क्या बात है भैया जी, जंगल को चले हरि का नाम ले रहे, वो तो बालक अनमोल हीरा कहने लगे, ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन। लागी लगन लागी लागी, अरे लागी 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 ऐसी लागी लगन, धुर चले हैं मगन, वो तो भक्ति भाव दिल में बसाने लगे, ऐसी लगी लगा। बहुत बढ़िया, हमारे विनय मास्टर खरेला से, हमारे नाल वादक और हमारे मुकेश बाबू करियारी सल्ले सुरधाम सरीला। जब ध्रु बालक जंगल को जाने लगे तो राजा उत्तानपाद ने आर्डर दिया कि 1 किलो जवा शेर के बदले में अब गेहूं दुगना कठिया के गेहूं। जवा मिलते थे सुनीति रानी को 1 किलो पर डे। बोले अपने लड़का से कहते जंगल ना जा, 2 किलो कठिया गेहूं मिल जाए हैं। ध्रु बालक ने कहा जब मैं जंगल नहीं गऊ, तैयारी बना रहो हो
दो किलो गेहूं मिल गए माता के लिए, मैं जंगल जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा ये पता ही नहीं है। राजा ने हुक्म निकाला, बालक को समझा दीजिए, जबा शेर के बदले मैं अब गेहूं दुगना कर दीजिए। अरे जाना ही है प्यारे बने का जाना, अच्छा नहीं है बन का जाना, अच्छा नहीं है बन का जाना, बन का जाना। अरे तुम छोना मत हट छीजे, व्याकुल होते पे पिता तुम्हारे उन्हें जाए हर सजगीजे, व्याकुल होते पिता तुम्हारे उन्हें जाए हर। अच्छी भौजी सिंगरी तो लगे भीतर जात जात, आमदनी कम खर्च ज्यादा मिटवे की बातें, और ताकत कम गुस्सा ज्यादा पिटवे की बातें। 100 कमाने 150 की दारू पीने पूरा होने का, चांद दिल्ली पंजाब कहूं जाओ, 20,000 पेश की लेते हैं और यही में कौन लो झक हो जाती बताओ। धन्य धन्य है ओ धन्य पिताजी, ओ हमेश कावल लाए हो, ओ पहला तो अपमान करा दो, अब समझाने आए हो। धन्य पिताजी, जब मुझे छोटी माँ ने मारा तो आपने एक शब्द नहीं कहा कि काय मारा लड़का तो ये हुआ है, अब तुम मोह समझाऊ आयो हो कि बेटा ध्रुव जंगल को न जा, हे पिता मेरा राजपाट मेरे छोटे भैया के नाम कर दिया मैंने, मैं तो जंगल जा रहा हूं उसी परमात्मा के दर्शन करने के लिए। धन है सोच बाड़े पुत्र पिता के धर्मा, अरे तोरी बन जय है, आरी तोरी बन जय है हरी गुण गाय से तोरी बन, तोरी बन जय है राम गुण गाय से तोरी बन जय है, आरी तोरी बन जय है राम गुण गाय से तोरी बन जय है, ध्रुव की बन गई पहला दऊ की बन गई, ध्रुव की बन गई आरी पहला दऊ की बन गई, हमारे भरोसे अनुरागी जी बहुत अच्छे कलाकार हैं पुराने, इनकी ओर से हमारे हल्के मास्टर के लिए दूध पीने के लिए 100 रुपया दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। हमारे भरोसी एंड जयपाल ये ठेकेदार जी, ध्रुव की बन गई पहला दऊ की बन गई, ओ सबरी की बन गई, ओ सबरी की बन गई पैर के घबाई से तोरी बन गई है, उम्र ध्रुव की थी भाई उसी के शोर अवस्था में बंदे को हरि भक्ति छाई, पिता चरण रज मस्तक धारी जरा नहीं गफलत खाई, और चले सभी से हाथ जोड़कर जय राधा जय यदुराई।
अरे अब राम मिलन खे ओ धुरु कुंवर ने बन की कजी तैयारी। और हमारे बोखर वाले में अब राम मिलन खे धुरु कुंवर ने पन की करी तैयारी। अब राम मिलन खे धुरु कुंवर ने बड़की करी बड़की बंटी। बहुत बढ़िया। धुरु बालक जंगल को सात वर्ष एक माह है दिवस दस। ये हमारे पन्ना लाल कवि बताते हैं कि सात साल एक महीना दस दिन का था। धुरु बालक जब जंगल को प्रस्थान करता है, पांच वर्ष में सब विद्याएं सीख ली थी बालक ने। अब तो रोज पढ़ाऊ लेकिन दो दिन ना पढ़ाऊ सो सब सीधा रहा। मोबाइल में देखो तन तन से लड़कते भा मोबाइल चलाऊ पढ़े के पेट पे रात भाई यार। तब बता पेट पे रहे तो कैसे पढ़ो। वही पढ़ पाऊ थे जेखे लागी लगन वही मंगन हो पाऊ। धुरु चले अब देश बेपन को अब आगे का करूं कथन। और बालापन में इस बालक की हरि भक्ति में लगी लगन। और जयपाल डांसर